प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका बबीता सागर ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने प्रशंसित कविता संग्रह सागर लफ्जों का खंड एक और दो के प्रचार के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तक को व्यापक दर्शकों से परिचित कराना और साहित्य जगत में सागर के योगदान को उजागर करना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में जाने माने कवि अंश बसोया भी मौजूद रहे। सागर लफ्जों का एक उल्लेखनीय द्विभाषी संग्रह है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कविताएं हैं, जो इसे विविध दर्शकों के लिए सुलभ बनाती है। ड्रीम पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को रोहित आर्य के मार्गदर्शन में प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक प्रेम, हानि और जीवन के सार्वभौमिक विषयों पर प्रकाश डालती है, जो बबीता सागर की विचार उत्तेजक और हार्दिक कविता के माध्यम से पाठकों से जुड़ने की गहन क्षमता को प्रदर्शित करती है। चंडीगढ़ में रहने वाली बबीता सागर चंडीगढ़ और पंजाब में लेखन समुदाय की सक्रिय सदस्य रही है। उनकी साहित्यिक यात्रा को कई प्रशंसाओं द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें सागर लफ्जों का खंड दो को कई संगठनों द्वारा चुना गया और बेस्ट सेलर का दर्जा प्राप्त किया गया और इस साल की शुरुआत में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भी अच्छी बिक्री हुई है। जी सर, ऐसा है कि एक लड़की होना और एक लेखक होना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो एक लड़की ही समझ सकती है। तो उन चीज़ों को थोड़ा समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर नज़र पड़े समाज की, कि क्या हमारे समाज का हिस्सा हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, कि किन चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए। तो इसीलिए एक लड़की जब लिखती है ना तो वो उस लड़की का दर्द लिख पाती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अभी रेप के केसेस ज़्यादा हैं, तो वो जो सम्मान उसको मिलना चाहिए तो वो एक लड़की बेहतर तरीके से बता सकती है एक लेखक के तौर पर। अभी जिस तरीके से आप और अपने साथ लोगों को जोड़ रही हैं, उसके पीछे क्या मकसद है, किस तरीके से? जी, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में मुझे पता है कि कितना अरसा लग गया। अरसा इन द सेंस कि चाहे वक्त कम है पर उसमें जितनी मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी, तो वो दूसरे राइटर्स के लिए ना हो, मैं उनको सिंपल एक पाथ दूँ जहाँ मैं बहुत भटक कर पहुँची हूँ वहाँ वो लोग भटक कर ना पहुँचे। और जिसके लिए कोई होता नहीं है ना, उसके लिए भगवान होता है। तो शायद मैं उनका ये काम करना चाहूँगी, एक उनके देवदूत की तरह, कि हाँ मैं उनके लिए एक अच्छा रास्ता दिखा पाऊँ। तो बस इतनी ही मुहिम है कि आज की बुक का नाम क्या है और इसमें क्या कुछ करते हैं, किस किस तरीके के आज इसमें? जी, मेरी किताब है सागर लफ्ज़ों का वॉल्यूम 1 और 2, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश हुई है ड्रीम पब्लिशर द्वारा। तो सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इन चीज़ों में। कई बार मैंने गिवअप भी करने की सोची, एक्चुअली शुरू से मैं गिवअप करती नहीं हूँ, पर कई बार ऐसे हुआ कि ये मौका मैं अभी नहीं लेना चाहूँगी, अभी टाइम नहीं है, ये चीज़ें, बट सर ने मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट। मुझे लोगों के बीच में एज एन आर्टिस्ट ही पहुँचना है। मैं कोशिश तो ज़्यादातर यही करता हूँ कि लाइव परफॉर्मेंस से ज़्यादा करूँ, और जैसे कि मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं यही कॉलेज करता हूँ कि कॉलेज के स्टूडेंट्स में अपनी पोएम्स के थ्रू जितनी भी ज़्यादा जागरूकता फैला सकता हूँ उतनी ज़्यादा फैलाऊँ। किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपकी कोई बुक तो नहीं, आप सोशल मीडिया पे आगे बुक भी लिखती हैं और जी का सपोर्ट किस तरीके से दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बुक निकालने के मेरे काफ़ी महीनों से ही बहुत ज़्यादा इरादे हैं, पर हर लेखक को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है एक अच्छा पब्लिशर ढूंढने में। बहुत जगहों से आपको रिजेक्शन मिलना की उम्मीद होती है, पर आई विल लाइक टू थैंक रोहित दैट आई थिंक ही इज़ अ रियली ग्रेट एट व्हाट ही डज एंड ही ओन्स अ पब्लिशिंग हाउस, सो आई रियली होप दैट ही हेल्प्स मी आउट विद पब्लिशिंग अ बुक। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।